Assalamualaikum, this is me, Afrika Kashif Khan. Welcome back to my YouTube channel. Okay. So, welcome करती हूँ अपने नए vlog में. Basically, guys, अभी आप लोगों को नजर आ रहा होगा मैं रास्ते में हूँ. कल तो मैं जन्नत के घर गई थी और आज मैं जन्नत के घर से निकल चुकी हूँ, लाहौर जा रही हूँ. जन्नत के घर हमारा स्टे था, हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया. रात भर हमने गेम्स खेले, बातें की, मूवी देखी, वो तो आप लोग देख ही चुके हो पिछले व्लॉग में. सो अभी मैं ऑन द वे हूँ, हम लोग लाहौर जा रहे हैं वापस से और फिर हमारी इंशाल्लाह इंशाल्लाह फिर वापसी है अपने घर, क्योंकि इतने दिन हम लोग इतना दूर रह लिए हैं मम्मा पापा से. मम्मा भी नहीं थी, अकेले थे, तो अब घर की बहुत ज़्यादा याद आ रही है, घर वालों को भी बहुत ज़्यादा याद आ रही है. खैर लाहौर में अभी हमें जाके बहुत सारे काम हैं, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो सब करेंगे. आप लोग सबको भी मैं दिखाऊँगी, हर चीज़ शेयर करूँगी, इसे आप देखते रहिए. नजर थोड़ी आ रहा है कुछ, नजर तो नहीं आ रहा, ब्लर ही हो जा. So my beautiful people, मैं घर आ चुकी, घर सॉरी वो बार बार मैं वो सही निकलने जा रही, घर आ चुकी होटल पहुंच चुकी हूँ. फैसलाबाद से लेके लाहौर तक का सफर हमने तय कर लिया है. ऐसा लग रहा है पता नहीं कितना सफर कर लिया, इतनी थकन हो रही है. ऊपर से मैंने ड्रेस भी चेंज कर लिया है, एज यू गाइस कैन सी. मैं अभी फुल आउटफिट आप लोगों को दिखा देती हूँ. अभी मैं जा रही हूँ टॉप फ्लोर पे, वहाँ पे कुछ पिक्चर्स विक्चर्स लेंगे हम लोग. सो यार लेट्स गो. इट्स अ फुल आउटफिट गाइस. हम लोग आए हैं दी स्काई रेस्टोरेंट, जो कि बिल्कुल टॉप पे बना हुआ है, समझे 18th फ्लोर पे बना हुआ है. और मैं आपको यहाँ का व्यू भी दिखाऊंगी. तो अब हम यहाँ पे अपना डिनर करेंगे. जल्दी डिनर हो रहा है हमारा, क्योंकि हमने सुबह जल्दी खाना खा लिया था. तो ये मेन्यू है, भैया चेक कर रहे थे हमें क्या ऑर्डर करना है. भैया क्या क्या है? आई थिंक वी शुड हमें ना वो करना चाहिए. ओके हम चेक करते हैं मेन्यू, फिर आप लोगों को दिखा देंगे हमने क्या क्या ऑर्डर किया. ऐसी बारिश हो जाए ना तो मज़ा ही आ जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता. बारिश होती है जहाँ हम जाते वहाँ बारिश नहीं. गाइस मेरी ड्रिंक आ चुकी है. ये प्रमोशन वीडियोस एंड पिक्चर्स वगैरह बन रही हैं, तो इसलिए आप लोग शॉर्ट्स देख रहे होंगे. बाकी खाना भी आने वाला है और व्यू यहाँ का बहुत प्यारा है. हमारा खाना आ चुका है. ये है प्लेटर और आई गेस इस प्लेटर का नाम क्या है, मुगलाई. मुगलाई, ओके मुगलाई प्लेटर. यहाँ का ये स्पेशल प्लेटर है. सो लेट्स सी टेस्ट में कैसा होता है. वैसे लग तो बहुत यम रहा है. सो या बारबेक्यू के मैं इतनी ज़्यादा शौकीन नहीं हूँ, बट फिर भी इनकी स्नैप्स, हर जगह इनकी स्नैप्स तैयार हो जाती हैं. ओह गॉड क्या होगा. चले हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं. खाना वगैरह खाने के बाद हम लोग आ गए हैं अपने रूम में, और रूम में आने के बाद जितना भी फैलावा हुआ वह है ये मैं आप लोग को दिखा दूँ. ज़रा ये देख सकते हैं आप, हील्स मेरी सारी ऐसी पड़ी हुई हैं, कपड़े मेरे सारे ऐसे फैले हुए हैं. और ये सारे कपड़े अभी हमें बैग में रखने हैं. पूरी पूरा सारा सामान हमें समेटना है, बिकॉज हमारी सुबह फ्लाइट है. सुबह कितने बजे फ्लाइट है? फ्लाइट है आपकी सुबह 11:15 बजे. ओके 11:15 फ्लाइट है और हमें सुबह उठना है. मैं तो सोचा हम सोते ही नहीं, फिर मैंने बोला कि सो जाते हैं, समझ नहीं आ रहा. अब देखो हम क्या करते हैं, सामान तो समेटे पहले फिर देखते हैं. हाय गुड मॉर्निंग.
सो एज यू गाइज नो कि आज हमारी फ्लाइट है, हम लोग थोड़ी देर सो चुके थे, बिल्कुल थोड़ी देर सोना नसीब हुआ है। अब हम निकलने लगे, रवाना होने लगे हैं, गाड़ी वगैरह आती ही है, फिर उसके बाद जाएंगे और फिर फाइनली इंशाल्लाह साथ खैर से कराची। बेसिकली ये व्लॉग छोटा हो रहा था, ऊपर से व्लॉग में मेरे पास कुछ था नहीं दिखाने थे, फिर मैंने सोचा कि क्यों ना कंटिन्यू किया जाए, सो दैट्स व्हाई ये मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। सो यप, सो फाइनली हम लिफ्ट में आ चुके हैं और हम ये इंडिगो होटल जो है चेकआउट करने वाले हैं। यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा था, बहुत 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 कंफर्टेबल हमारा स्टे था, आप क्या कहेंगे? जी बहुत अच्छा स्टे था, मुझे तो टू बी वेरी बहुत अच्छा लगा होटल। यहाँ का खाना वगैरह हर एक चीज़ बहुत अच्छी थी, बहुत सुकून से रहा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी जब भी होगा हम जरूर यहाँ पे स्टे करेंगे, अपना प्लान आप लोग भी जरूर कीजिए, डन हो गया। इस बार से हमारे टू बैग्स थे और अभी भी एम्प्टी है, मतलब कोई हम इतना ज्यादा सामान लेके नहीं आए थे, बट कपड़े सच में खत्म हो गए थे, ये वजह से मैंने क्योंकि मैं इसमें कंफर्टेबल। या दैट्स व्हाई, एक तो सुबह सुबह यहाँ इतना रश होता है, इसलिए पता नहीं क्या, चेकआउट कर लो जाओ। मैं आप लोगों को लॉबी वगैरह दिखा देती हूँ, आप लोग देख सकते हैं। वहाँ पर नाश्ता वगैरह चल रहा है, पहले हमने यहाँ पे ब्रेकफास्ट किया था, अभी बिल्कुल भी मूड नहीं है, रात में बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग हो गई थी, तो इसलिए हमने आज का नाश्ता स्किप कर दिया, हमने बोला बस रवाना होते हैं, वैसे भी प्लेन में मिलना ही है जब तक थोड़ा सा सेटिंग में आ जाएगा सब कुछ। चलो फाइनली हम लोग एयरपोर्ट जो है पहुँच चुके हैं, जल्दी पहुँच गए हैं, हमारी 11:45 की फ़्लाइट है और अभी क्या बज रहे हैं भैया? 9:45 हो रहे, अभी बहुत सारा टाइम। चलो जी, यहाँ पे बैग्स जो हैं वो रैप हो रहे हैं, हम लोग हमेशा बैग्स जो है ना वो रैप करवाते हैं क्योंकि टूटने का बहुत ज़्यादा खतरा होता है, ये वैसे भी हार्ड केसेस हैं तो ये टूट जाते हैं जल्दी। तो गाइस मैंने ना शेयर कर लिया रबीका के लिए ग्लोरिया जीन्स का, बट मैं यहाँ आया हूँ, यहाँ सो रही है रबीका, रबीका शेक लाया हूँ तुम्हारे लिए चॉकलेट वाला। रबीका सो गई थी, हमारी फ्लाइट में अभी भी 1 घंटा है, 1 घंटा वी हैव टू वेट। थैंक गॉड गाइस जैसे तैसे टाइम जो है वो गुजर गया है, मुझे तो इतनी नींद आ रही है कि मैं जहाँ बैठी हूँ सो रही हूँ। तो खैर अब हम चलते हैं प्लेन में। थैंक गॉड कि मुझे मास्क मिल गया, क्योंकि आपकी बहन को बहुत नींद आ रही थी और मैं चाहती थी कि मेरा मुंह थक जाए, किसी को पता ना चले कि ये रबीका सो रही है। फाइनली गाइज हम लोग पहुँच चुके हैं कराची, अब हम जाएंगे अपने बैग्स वगैरह लेने। ओह गॉड, अपनी गाड़ी वाला सुकून नहीं होता कहीं। सो फाइनली अपने घर में पहुँच चुकी हूँ और यहाँ मेरे छोटे छोटे भाई जो सो रहे हैं, शुक्र मेरे बैग पे कब्जा नहीं किया हुआ, लेकिन मेरे तकिए पर, मेरे कंफर्टर पर, हर चीज पे कब्जा है। मेरे बैग जो है ना इस वक्त खाली पड़ा हुआ है, वहां पे कोई चीज नहीं है क्योंकि सारा कब्जा इन लोगों ने किया हुआ है। उठ जाए भाई, एसी चला के फुल नवाबों की तरह सोना हो रहा है इनका। उठे इनको, मैं पता है आपको, आप लोगों को पता है इनको क्यों उठा रही हूँ? ताकि जरीर खान साहब उठे, व्लॉग एडिट करे और उजैर साहब जो है उठ के मुझे खाना दे, सही है? और मैं अभी इधर सोने वाला। लो भाई देख के सोफा एंड उड़ी है। गाइस आपको दिखा दूं कि मैं क्या लेके आई हूँ, ये मैं ड्रेस लेके आई हूँ मम्मा के लिए, ये आप लोग देख सकते हैं, मम्मा इस ड्रेस को देख के बहुत खुश हैं, साथ ही साथ मैं अपना भी ले आई हूँ सेम थिंग। और ये बेडशीट्स आप लोगों को नज़र आ रही होंगी, ये एक प्रिंट है, ये दूसरा प्रिंट है, तीसरा और ये चौथा, ये मुझे गिफ्ट किया है जन्नत की अम्मी ने,
और बहुत 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 अच्छी बेडशीट्स हैं, बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, मम्मा को तो वैसे ही बेडशीट्स बहुत पसंद है। तो मम्मा थैंक यू सो मच जन्नत, उनकी पूरी फैमिली इतने प्यारे गिफ्ट्स के लिए बहुत पसंद आए हैं, थैंक यू। ससुर आते के साथ ही मम्मा ने मेरे लिए बिहारी पूरी बना के रखी हुई है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, घर के खाने की बात ना कहीं बाहर नहीं आ सकती, किसी रेस्टोरेंट में नहीं आ सकती, और घर वाला जो सुकून है ना वो किसी लग्जरी होटल में भी नहीं आ सकता, किसी यू नो टॉप क्लास होटल में भी नहीं आ सकता। तो ये तो साफ बात है, आई नो एवरी वन कैन रिलेट कि घर वाली बात माँ के हाथों वाले खाने की बात कहीं नहीं आ सकती। ब्लेस्ड अल्हम्दुलिल्लाह। खातिरदारी हो रही है, ये दो दो क्लास की है, पागल हो गए हो? मेरा खाना भी आ चुका है, ये एक उजैम आपका क्लास है, चलें आप भी बैठ जाएं खाना खाने, मैं भी खाना खा रही हूँ। तो मैं व्लॉग को यहीं पर एंड कर रही हूँ, जल्दी जाके लाइक कमेंट शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत सारा प्यार बरसा दीजिए, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, लॉट्स ऑफ लव, टेक केयर, बाय।